हेलो फ्रेंड्स, मैं नाम है अजय। और फ्रेंड्स, आज मेरे पास है एक ली टीवी 2 का फ़ोन जिसमें हम डिस्प्ले को रिप्लेस करेंगे। तो देखिए, ये डिस्प्ले टूटी है तो वर्किंग तो है, अब इसको हम पहले इस डिस्प्ले को निकालने के लिए सीखेंगे। तो फ्रेंड, ये वीडियो में ज़्यादातर उनके लिए हेल्पफुल होगी जो अभी फिलहाल रिपेयरिंग का काम सीख रहे हैं, ठीक है, जो नए नए हैं या जिन्हें अभी थोड़ी दिक्कत होती है डिस्प्ले में फिटिंग करने वगैरह में, तो मैं उनके लिए है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है। तो देखिए, जो मशीन है तो मैं इससे गर्म कर रहा हूँ। आप चाहे इसको अपनी SMD से भी इसको गर्म करके डिस्प्ले को निकाल सकते हो। तो उसके लिए आपको ओपनर चाहिए, कार्ड चाहिए, ठीक है, ऐसे पतले कार्ड चाहिए। ये डिस्प्ले फ्रेंड टूटेगी नहीं कहीं से, आप अगर गर्म करके निकालोगे तो टूटेगी नहीं, ठीक है। तो देखिए, ये जो डिस्प्ले है पहले भी लग चुकी है, क्योंकि फ़ोन जो है फ्रेंड ये स्पेस ग्रे है और डिस्प्ले है कि पिंक कलर में। तो डिस्प्ले को हम ना, आप डिस्प्ले लेके जो आएंगे स्पेस ग्रे ही लेके आएंगे जो उसमें थी, ठीक है। तो देखिए, आप इसको यहाँ से ओपनर डालेंगे तो देखिए आराम से अंदर चला जाएगा ओपनर कहीं से। फ्रेंड, ये डिस्प्ले वैसे टूटती नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं करनी, आराम से करनी है। तो इससे पहले फ्रेंड मैंने आपको डिस्प्ले सेफली रिमूव करने के डिस्प्ले वीडियो बना रखे हैं, तो आप वहाँ से भी सीख सकते हो कैसे सेफली निकाले जाए, ठीक है। तो मैं ऐसे ही मेरे पास फ्रेंड जितने भी फ़ोन आते हैं सही सलामत टूटे हुए टच वाले, तो मैं उनकी डिस्प्ले सेफ निकालता हूँ कि वो मेरे और भी काम आ जाए, ठीक है। तो ये आपको भी इसमें आपको भी सिखा देता हूँ कि आपको सेफली रिमूव कैसे करनी है। तो क्योंकि फ्रेंड ये आप अगर आप सेफली निकालोगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता रखा है क्या फ़ायदा होता है, ठीक है। तो देखिए, फ़ोन जो है कि स्पेस ग्रे है और डिस्प्ले जो है कि हमारी पिंक कलर की है। ये कहीं किसने लगवाई होगी तो वहाँ से सही नहीं लगी है, दूसरी डाल दी है। तो हम इसमें इसकी जो दूसरी डिस्प्ले थी वैसी वही डालेंगे, ठीक है। क्योंकि ये फ्रेंड पिंक डिस्प्ले है तो पिंक कलर का फ़ोन आता है उसी में ही ये लगाई जाती है, ठीक है। तो फिलहाल इसमें हम ग्लू डाल के एक क्लीनर डाल के इसे क्लीन करते हैं, क्लीन करके काटेंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ से गैप बन गया आराम से, क्योंकि पहले लग चुकी है इसे थोड़ा निकालना ईजी हो जाएगा। पहली बार में जो निकलती है थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन टूटती नहीं है, ठीक है। क्योंकि सैमसंग की तरह नहीं होती जो चिटक जाती है, ये वैसी नहीं होती। आजकल डिस्प्ले मजबूत आ रही हैं जिससे टूटने को चांसेस नहीं है, आराम से निकाल सकते हो, केयरफुली सेफली निकाल सकते हो उसको। तो आप ट्राई करिए, आराम से आपकी डिस्प्ले निकल जाएगी। तो हम इसको निकाल लेते हैं। तो हमने ऑब्वियसली आधी डिस्प्ले इसकी निकाल ली है, तो हमने पूरी निकाल ली है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने इसकी डिस्प्ले निकाल ली है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहले लग चुकी है, दिक्कत आई नहीं। अगर फर्स्ट टाइम होती तो थोड़ी दिक्कत होती, लेकिन अभी फिलहाल कोई दिक्कत नहीं आई। तो देखिए फ्रेंड, ली टीवी की डिस्प्ले इस तरीके लगी होती है, यहाँ पे कनेक्टर होता है इसका, तो आपको देख लेना है। इसके ऊपर सीट होती है, ठीक है। तो ये सीट होती है, मैं इसको स्विच ऑफ कर लेता हूँ। तो फ्रेंड, जो भी फ़ोन खोलोगे आप तो स्विच ऑफ करके ही निकालें डिस्प्ले, वरना डिस्प्ले की लाइट जो होती है वो उड़ जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, आप कभी फ़ोन चालू फ़ोन में डिस्प्ले को मत निकालना। तो देखिए, इसकी इनेबल बैटरी होती है, इसके लिए आपको अगर फाइव आपको फ़ोन रिपेयर करना है बोर्ड पे, तो आपको डिस्प्ले ही निकालनी पड़ेगी। उसके बाद ही इसके नीचे स्क्रू होते हैं वो खुलेंगे, ठीक है। क्योंकि इसके नीचे फ्रेंड स्क्रू हैं, अगर पीछे से इसका कोई पैनल खुलता नहीं है, ये डिस्प्ले निकलती है जब जाकर ये फ़ोन डिसेंबल होता है। तो यहाँ पे कनेक्टर है, यहाँ बैटरी कनेक्टर भी है, वो दोनों मैंने निकाल लिए। तो ये डिस्प्ले इस तरह की है। तो फ्रेंड, हमने इसको रिमूव कर लिया है, तो चलिए अब हम इसकी नई डिस्प्ले लेके आते हैं और लगाते हैं। तो देखिए फ्रेंड, मैं अब इसकी न्यू डिस्प्ले लेके आ गया हूँ। देखिए, जो स्पेस ग्रे है और ये डिस्प्ले भी हमारी स्पेस ग्रे है। तो ये फ्रेंड डिस्प्ले जो है कि ओरिजिनल है, क्योंकि इसकी फ्रेंड कॉपी डिस्प्ले नहीं आती है मार्केट में, ये ओरिजिनल ही आती है। तो मैं बस यही बताऊँ, इसके रेट फ्रेंड 1000 रुपये की डिस्प्ले मिली है, 1000 रुपये की, और कस्टमर को रेट दिए हैं 3000 रुपये, ठीक है। तो देखिए, ये इसकी डिस्प्ले अगर आपको चेक करनी है, मैंने आपको पहले बताया होगा कैसे चेक करनी है। तो इस तरह से आपको सारे आइकॉन जो हैं कि इसके जो मेनू है, सब उसको देखने दाएं बाएं करके सारे, कि ये कहीं अटक तो नहीं रहे। उसके बाद ही आपको डिस्प्ले फिटिंग करनी है, पहले सब कुछ चेक कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। इसके जो मैसेज के कीबोर्ड होते हैं, मैं उनको चेक कर लेता हूँ। पहले भी मैंने आपको वीडियो में बनाकर दिखा रखी कैसे डिस्प्ले आपको चेक करनी है। देखिए, सब सारे कीबोर्ड आप चेक कर लीजिए तसल्ली से, यहाँ सारे वर्किंग कर रहे हैं। तो आप जब भी न्यू डिस्प्ले लोगे तो आपको इस तरह से ही चेक करनी है, सारी चीज़ें चेक करनी है। इस तरह से आप लाइनिंग घुमाइए, यहाँ से इसको निकलें, ये यहाँ से आएगी एयर। देखिए, यहाँ से ये रंग बिरंगी लाइनिंग आ रही है, मतलब पूरे कीबोर्ड वर्क कर रहे हैं हमारे, ठीक है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो कोई भी फ़ोन के डिस्प्ले को, हर फ़ोन के डिस्प्ले पर ऐसे चेक कर सकते हो। तो फ्रेंड, मैं जो आपको बता रहा हूँ डिस्प्ले का, ज़रूरी नहीं कि आपको ली टीवी की डिस्प्ले आपको ऐसे लगानी है। तो आप किसी भी फ़ोन की डिस्प्ले
जो भी आजकल ओप्पो वीवो एम आई एल ई टी वी हो गए, कोई सही फ़ोन है फ्रेंड, उनकी डिस्प्ले आप इसी तरह से ही निकालो और इसी तरह से ही लगा सकते हो, ठीक है। तो अब इसको स्विच ऑफ करके अब इसकी फिटिंग करते हैं, चलिए सीखते हैं अब इसको फिटिंग करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले फ़ोन को स्विच ऑफ कर देते हैं। अब इसके लिए आपको एक ग्लू चाहिए, इस तरह की ऐसी ग्लू वो चाहिए, रबड़ चाहिए, बांधने वाली जो होती है रबड़ चाहिए, ठीक है। तो चलिए उसकी बैटरी कनेक्टर पर निकालते हैं, उसके बाद डिस्प्ले कनेक्टर निकाल देते हैं। ध्यान रखिए फ्रेंड, डिस्प्ले ऐसी जगह पर रखना जहाँ पर डिस्प्ले पर कोई नुकसान ना हो, क्योंकि डिस्प्ले ओरिजिनल है, ठीक है। तो चलिए इसको रख देते हैं साइड में, इधर रख देता हूँ। तो आप क्या करेंगे फ्रेंड, इसको हमने पहले क्लीन कर लिया, जितना भी ग्लू था इसके ऊपर लगा हुआ पुराना सब साफ कर लिया है, अब नया ग्लू लगाएंगे इसके ऊपर आराम से, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्क्रू के सारे पेच लगे होते हैं नीचे इसके, तो जब जाके ये फ़ोन हमारा डिसेंबल होगा, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अब हमारा नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। तो देखिए हम अब ग्लू उठाते हैं, ग्लू अब हम इसमें ग्लू लगाएंगे, जो हमारी चिपकाने ग्लू आती है उसको हम चारों तरफ से इसको लगाएंगे, तो उसको दबा के अच्छे से। तो देखिए यहाँ से इसको लगानी है, निकाल के इसको हर कोने कोने में लगाना है, पूरे फैलाना नहीं है फ्रेंड, ध्यान से लगानी है। चलो चालू करते हैं, यहाँ से हम इसको लगा तो करते हैं स्टार्ट। तो धीरे धीरे आपको हर तरफ घुमानी है, कोने कोने में डालनी है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके है, डिस्प्ले इसको सारी कम लगा देते हैं और देखते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो धीरे धीरे ज़्यादा फ्रेंड फैले ना, वरना डिस्प्ले में चली जाएगी, इसलिए आपको साइड से ही लगाने हैं, हल्के हल्के हाथों से। तो इसको बिल्कुल सटा के रखिए, उठाओगे तो ज़्यादा निकल जाएगी, इसलिए आप उसको जो हमारे गम का जो मुँह होता है उसको टच करके रखिए, इनके कोनों कोनों में टच करोगे, छुआओगे जब जाके हमारी गम बराबर लगेगी। अगर ऊपर ऊपर गम डालोगे तो ये ज़्यादा निकल जाएगी, तो फैल जाएगी, इसलिए आप टच करके निकालिए। देखिए मैं जो लगा रहा हूँ, ये जो कोना है इसमें मैंने टच कर रखा है ग्लू को, और फिर मैं ऊपर खींचते जा रहा हूँ, मैंने ग्लू को ऊपर नहीं किया हुआ, ठीक है। छुआ छुआ के मैं इसको ऊपर ले जा रहा हूँ टच करते करते। तो देखिए मैंने इसको ग्लू लगा दिए, तो चलिए अब डिस्प्ले की बारी, इसको पहले रख देता हूँ। ग्लू को फ्रेंड खुला मत छोड़ना, वरना सूख जाएगी, अंदर तक हवा पहुँच जाती है, बेकार हो जाती है, ठीक है। तो देखिए अब इसको यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, इसको हम इसकी जो स्टिकर हैं इसको पहले निकाल लेते हैं स्टिकर। ये डिस्प्ले फ्रेंड ओरिजिनल ही मिलती है ली टीवी की, कॉपी नहीं मिलती। अब फ्रेंड कंफर्म तो नहीं है कॉपी नहीं मिलती, हाँ यहाँ तो फ्रेंड्स हर जगह दिल्ली में ओरिजिनल ही मिल रही है, पता नहीं मिलती भी होगी, लेकिन मैंने तो अभी तक नहीं लगाई कॉपी, ठीक है। तो चलिए इसका हमने स्टिकर निकाल दिया, जितने भी स्टिकर हैं फ्रेंड सारे निकाल देने हैं, कोई भी नहीं छोड़ना। तो इस तरह के सारे स्टिकर निकाल दूंगा, कहाँ से है ये, ये देखिए यहाँ से सब निकाल दी पन्नी, ये स्टिकर है कैसे निकाल देता हूँ, ठीक है। तो देखिए इस तरह से आपको यहाँ पे देखना है कि ऊपर कैमरा कहाँ पे है स्पीकर, तो वहीं से फिट करना है। एक बार ध्यान रहे फ्रेंड कि डिस्प्ले जो है कि एक जैसी लगती है दिखने में ऊपर नीचे, तो आप कभी भी ध्यान रखना कनेक्टर कभी उल्टा या तिरछा टेढ़ा मढ़ा मत लगा देना, वरना डिस्प्ले की फ्रेंड लाइट इसकी उड़ जाती है। क्योंकि पहले भी मेरे साथ ऐसा केस में देखे हुए हैं कि इस फ़ोन में एक बार हुआ था कि डिस्प्ले लेके आए हम लगाई, लेकिन पता नहीं किस तरह से क्या हुआ कि डिस्प्ले ऊपर की बल्दी या उल्टी साइड से लगा दी हमने, तो डिस्प्ले की लाइट उड़ गई। तो उसके बाद फिर भी एक केस और था, हमने डिस्प्ले वर्किंग से सही लगाई थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ उसकी डिस्प्ले की लाइट ही उड़ गई। तो इस फ़ोन में फ्रेंड होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं, लेकिन हो जाता है, कुछ पता नहीं कह सकते नहीं, लेकिन हो चुका है ऐसा, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि इसकी डिस्प्ले अगर गलत लगा दी जाए कहीं से भी, एक पिन दो पिन नीचे ऊपर नीचे हो गए, तो इसकी डिस्प्ले की लाइट उड़ जाएगी, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना, यही नहीं फ्रेंड कोई भी फ़ोन हो सकता है जिसकी आप डिस्प्ले का ठीक से नहीं बिठाओगे या ज़बरदस्ती दबाने की कोशिश करोगे तो पिनें ना ख़राब हो जाती हैं, तो जिससे कि शॉर्ट होता है और फ़ोन की डिस्प्ले लाइट उड़ जाती है। तो मैं इसको ऑन करता हूँ, देखिए ये फ़ोन ऑन हो गया। तो अब मैं इसको डिस्प्ले को बिठाता हूँ, तो आपको जो हमने गम लगा रखी है, ठीक है, वो गम लगी हुई है। अब इसके साथ हम जो भी देखिए अभी यहाँ कहाँ गया इसका स्पीकर का पत्ता, तो यहाँ पे कौन स्पीकर नहीं है, तो मैं इसको लगा देता हूँ। तो इसको नीचे से बिठाना है आपको, आराम से इसको फिर रख देना है एकदम बराबर, देख लेना क्योंकि ताज़ी गम होती है, तो पहले आप चेक कर लीजिए कि बराबर है या नहीं, अगर गम सूख जाएगी फिर आप मत खिसकेगी नहीं, इसलिए लगाते वक्त ही सारा कोना देख लेना, ठीक है। तो देखिए प्रॉपर एकदम बिल्कुल सही से फिटिंग हो गई है,
से भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए सारा ग्लू हाथ में लग रहा है, ग्लू ये सारा। तो उस पर अब आपका क्या करना है, आपको उसको सपोर्ट के लिए आपको रबड़ बांध देनी है, ठीक है। जो हमारी रबड़ आती है इसको आप ऊपर बांध दीजिए, जिससे कि अब ये इसको कोई हिलने का चांसेस ही नहीं है जो इसके ऊपर उड़ गया है। मेरे फ्रेंड्स आप बहुत लोग करते हैं, हर मोबाइल वाले बिना रबड़ के आप डिस्प्ले मत बिठाना, या तो अगर रबड़ नहीं है तो आप टेप ले लीजिए, टेप से बिठा दीजिए, चादर से बिठा दीजिए, लेकिन ऐसे मत छोड़ना, ठीक है। तो रबड़ लगा दीजिए, मैं तो रबड़ यूज़ करता हूँ कि टेप कौन मारे, बाद में टेप उतारते निशान पड़ जाते हैं इस पे गम के, इसलिए रबड़ लगाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप रबड़ लगा देते हैं, आप बीच में भी रबड़ डाल देता हूँ उसके, तो फिर वर्किंग हो गई है, ठीक है। तो पासवर्ड डाल देता हूँ उसका। तो देखा फ्रेंड, मैंने इस तरह से एक फ़ोन की जो LCD है वो रिप्लेस करी है। तो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पहले बोल रखा है, जो नए हैं सीख रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। क्योंकि LED TV की डिस्प्ले काफ़ी वैसी होती है, इसकी डिस्प्ले निकलेगी जब तक कि हमारा फ़ोन भी डिसेंबल होता है। तो कभी कोई सा फ़ोन फ्रेंड आप लगाओ डिस्प्ले, तो इस तरह से लगाना ध्यान रख के, ठीक है। मैंने सारे आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिए हैं, तो आप इस तरह से कोई भी फ़ोन की LCD को रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, मैंने सब कुछ कर दिया, तो यहाँ से आप पूरी रबड़ लगा देंगे, पूरी सेफ्टी हमने कर दी है, कहीं से भी अब ये डिस्प्ले उठेगी नहीं, ठीक है। अब ये प्रॉपर बैठ जाएगी, कम से कम फ्रेंड्स को 1 घंटे तक छोड़ दीजिए, ये अपने आप सूख जाएगी तो ये मजबूत हो जाएगी, ठीक है। तो हमने इसको साइड से घिस देते हैं, जो गम ताजी बाहर आएगी वो सारी निकल जाएगी, तो कहीं से भी गम नहीं है, प्रॉपर पूरी ये ओके हो चुकी है। तो फ्रेंड देखा आपने किस तरह से मैंने डिस्प्ले रिप्लेस करी, पहले डिस्प्ले जो लगी थी वो दूसरी थी पिंक कलर की, हमने ये आप स्पेस ग्रे लगाई है बिल्कुल मैचिंग वाली, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई फ़ोन का फैन डिस्प्ले LCD रिप्लेस कर सकते हो। अगर आपको भी वीडियो फ्रेंड पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, जिससे कि मैं आपको और वीडियो बना के दिखाता रहूं आपको, और बेल आइकन जरूर दबाना जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मेरी वीडियो के पहले मिल जाए और आपको वेट ना करना पड़े, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड।